चलो सब कुछ सेट हो गया फाइनली। हाँ ठीक है। सबमिशन में कौन सा पार्ट किया था, कैसा वाला सबमिशन पढ़ाया था मैंने? साइन एंड कोसाइन सीरीज का था। साइन एंड कोसाइन सीरीज कोसाइन सीरीज का, ठीक है। और वो एंगल्स एपी वाला, सर हम प्रोडक्ट को, हाँ सर, प्रोडक्ट को सम यूज करना था कॉमन डिफरेंस पहले निकाल के। तुम्हारे तुम्हारे यहाँ से आर्ट आवाज आ लिखा रही है, था। तुम्हारे यहाँ कोई बैकग्राउंड में बात कर रहा है क्या? नहीं सर, ठीक है। मतलब साइन और कोसाइन सीरीज जिसमें एंगल्स तुम्हारे एपी में रहते हैं वो वाला पढ़ाया था ना? यस सर, ठीक यस है। सर। तो मैं दे रहा हूं, एक क्वेश्चन सॉल्व करो, कैसे करते हैं बताओ तो। चलो सॉल्व करो। सबको याद है ना मैंने क्या कराया था? भूल चुके हो। हेलो, हाँ बाकी लोग क्यों नहीं बोलते हैं? बाकी लोग क्यों शांत रहते हैं, कुछ बोलते ही नहीं है कभी भी? सब लोग, अगर जिसका इसका माइक ठीक है ना, अपने को अनम्यूट करके रखो यार। मुझे ऐसा लग रहा है इस क्लास में कोई है ही नहीं है इस वक्त, है ना? सब लोग आकांक्षा हो, नहीं हो? सर बैकग्राउंड में आवाज आ रहा है मेरे तो। हाँ हाँ ठीक, तुम्हारे यहाँ दिक्कत है। आकांक्षा, जिसके यहाँ शांति है वो लोग तो कर ही सकते हैं ना यार। बट सर आपने साइन और कोसाइन का सिखाया साइन और कोसाइन का सिखाया था, किसका दे दिया है मैंने? कॉस का दे दिया ना सर, कॉस थीटा कॉस टू थीटा। अबे तो कोसाइन और कॉस क्या होता है? देखो तू सही में इतना नहीं सोच पा रहा है कि तू सही में परेशान करने के लिए से कर रहा है? मजाक न कर भाई मेरे साथ।
कैसे करेंगे बताओ इसको। टू साइन थीटा बाय टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। बढ़िया, टू साइन थीटा बाय टू से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा बताओ। कॉस थीटा, कॉस टू थीटा, कॉस थ्री थीटा। कैसी बात करके भी करता है बच्चा ना, कोसाइन में बताया था, मतलब आश्चर्य लग रहा है मुझे। समटाइम्स आई एम फीलिंग वेरी सरप्राइज नाउ व्हाट इज हैपनिंग। टू साइन थीटा बाय टू, व्हाट विल कम हियर टेल मी। टू साइन थीटा बाय टू कॉस थीटा प्लस, बोलो क्या आएगा। टू साइन थीटा बाय टू कॉस टू थीटा, टू साइन थीटा बाय टू कॉस थ्री थीटा, है ना। डॉट 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 प्लस, बोलो क्या आएगा। टू साइन थीटा बाय टू साइन कॉस साइन थीटा। हाँ, अब इस वाले को नीचे लिख लेते हैं जैसे अपन करते आए हैं ना। टू साइन थीटा बाय टू कॉस थीटा क्या होता है। टू साइन ए कॉस बी क्या होता है। साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा बाय टू। ये आपको लिख के खुद से देखना पड़ेगा कि मैं सही लिख रहा हूं कि नहीं लिख रहा हूं। कितना होगा बताओ, कितना होगा बोलो। साइन फाइव थीटा बाय टू माइनस साइन थ्री थीटा बाय टू, थीटा बाय टू माइनस साइन थ्री थीटा बाय टू, साइन थ्री थीटा बाय टू चलते जाएगा। और ये हो जाएगा टू साइन थीटा बाय टू कॉस एन थ्री प्लस साइन ए माइनस बी होना चाहिए। हाँ, तो वही तो लिखा है, देखो लिखता हूँ, चलो लिखते हैं। देखो लिख कॉपी में खुद से तो लिख के देखो एक बार, कॉपी में खुद से लिख के देखो ना क्या होगा बताओ। साइन ऑफ थीटा बाई टू प्लस थीटा बाहर आ रहा है। हाँ, तो ये खुद से लिख के देखेगा ना, है कि नहीं, समझा। अब इधर कितना आएगा बता। साइन एन प्लस हाफ थीटा माइनस साइन, बोलो भाई, एन माइनस हाफ थीटा। क्लियर है, कैसे कैंसलेशन कैसे हो रही है बताओ। How the terms are getting cancelled? Tell me. So first वाला figure है ना, क्या बच गया बताओ finally? Sin n theta plus theta by 2 minus, बोलो sin theta by 2, है ना, ये आ गया ना sum, है ना। तो what is the final answer? बताओ final answer क्या होगा। Sin एन प्लस हाफ थीटा माइनस साइन थीटा बाई टू बाई टू साइन थीटा बाई टू। ये क्लियर है क्या। यस सर। यस, समझ में आ रहा है। सब लोग ट्राई टू कंसेंट्रेट, सबको क्लियर है अच्छे से। यस सर। कॉपी करो, कॉपी करो, मैं नोट शेयर नहीं करूंगा, कॉपी करो।
कॉपी करें, रब करें, सॉरी आगे बढ़ू? नहीं सर, सर दो मिनट। हो गया कॉपी? नहीं सर। सो डन, सो डन। नहीं अच्छू, तभी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट नहीं पढ़ाया है। मैं भाई इतना ज्यादा 10-6 लाइन लिखने में आपको 10 मिनट नहीं लग सकता है, ठीक है? हो तो, गया सर। हाँ तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है? तो ये था अपना समेशन का, ठीक है? एक होता है, एक और टॉपिक होता है प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज व्हेन एंगल्स आर इन रेशियो ऑफ टू, ठीक है? मतलब ऐसा क्वेश्चन कह रहा हूं, देखो कॉस थीटा, कॉस टू थीटा, कॉस फोर थीटा, मैं ऐसे क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। यहां पे एंगल्स में खासियत क्या है बताओ? एंगल्स जो है वो कैसे भी है, वो कैसे एंगल्स कैसे हैं यहां बताओ? मान लो एक क्वेश्चन दिया, बोलो यहां पे एंगल्स कैसे हैं? एंगल्स में कॉमन रेशियो है ना, एक वन बाय टू, टू का कॉमन रेशियो है ना। अरे समझे क्या? यस सर। जैसे मान लो ये क्वेश्चन दिया, कॉस पाई बाई सेवन, कॉस टू पाई बाई सेवन, कॉस फोर पाई बाई सेवन, बताओ कुछ दिख रहा है खासियत? अगेन एंगल्स कैसे हैं, दो के रेशियो में है ना। हाँ सर। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं? इसका सॉल्यूशन का बहुत ही टिपिकल तरीका होता है कि जो भी स्मॉलेस्ट एंगल है ना सिस्टम का, सिस्टम का स्मॉलेस्ट एंगल क्या है बताओ? जो क्वेश्चन मैंने अभी लिखा है, जो क्वेश्चन मैंने अभी लिखा है, इसमें स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा है बताओ? कॉस थीटा। कॉस थीटा। तो क्या किया जाता है ना, तो आई साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे करते हैं? तो आई साइन ऑफ, तो आई साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है? तो अब ट्वाइस लिख दूं क्या मैं यहाँ पे? नहीं तुम याद रखोगे ना, वीडियो में सुनोगे ही, लिख देना खुद से नोट में लिख लो, ट्वाइस दी साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, ठीक है? साइन ऑफ, अब बोलो क्या होगा? यहाँ पे कुछ दिख रहा है बनता हुआ? टू साइन कॉस, टू साइन कॉस। तो क्या होता है बताओ? साइन टू थीटा ना।
अभी कुछ मजा आ रहा है देखने में? अरे भैया बताओगे, कुछ मजा आ रहा है? कुछ मजा आ रहा है? Yes, sir. क्या मजा आया बताओ, क्या देख, अभी इस स्टेप में क्या दिख रहा है बोलो तो? बहुत अच्छा बेटा, टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो सर, तो क्या हो गया बेटा, क्या बन गया? वन बाय फोर साइन थीटा अपॉन साइन फोर साइन फोर। बहुत अच्छा, अब कुछ और दिख रहा है? फिर से टू से मल्टीप्लाई, फिर से टू से मल्टीप्लाई, शाबाश। तो क्या बन गया ये? फोर साइन एट थीटा। फिर क्या करें? वही तो सेम। सेम मतलब क्या होता है? टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो टू बोल लोगे तो क्या थक जाओगे? हैं? नहीं सर। फिर ये क्या बन जाएगा? साइन एट थीटा, नीचे में क्या आएगा बताओ? 16, सॉरी क्या बनेगा? साइन 16 थीटा, 16 साइन थीटा। ये क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। चलो इस वाले क्वेश्चन में बताओ, बोलो पहला स्टेप क्या होगा, आराम से बोलो सोच के। चलो बताइए पहला स्टेप क्या होगा बेटा? 2 sin pi by 7, 2 sin pi by 7 डिवाइड और मल्टीप्लाई से, 2 sin pi by 7 से हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा बोलो? sin 2 pi by 7, cos 2 pi by 7, cos 4 pi by 7 by 2 sin pi by 7। ठीक है, क्या होगा बोलो? यहां पर इंटू टू कर दें तो एक और टू यहां पे आ गया, बोलो क्या बन जाएगा वापस से? ये साइन फोर पाई बाई सेवन कॉस फोर पाई बाई सेवन बाई वन बाई फोर साइन पाई बाई सेवन इंटू टू, वापस से टू दिया, क्या बन जाएगा? ठीक है, क्या हो जाएगा बताओ? 1 by 8 into sin 8 pi by 7 क्या होगा? sin 8 pi by 7 को कुछ लिख सकते हैं? अच्छा मैंने आपको एंगल्स को छोटा करना बताया था ना, याद है ये? अच्छा 8 पाई बाय 7 जो है पाई से बड़ा है कि पाई से छोटा है? हेलो, बड़ा है ना, तो छोटा करो उसको, कहे छोटा करते हैं बताओ? 8 पाई बाय 7 को क्या लिख सकते हैं? साइन पाई प्लस पाई बाई सेवन। यू हैव टू इंटरेक्ट एंड टॉक विथ मी, क्या हो गया इसको? अजीब सी क्लास लग रही है मुझे। अच्छा साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है? सर क्या साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। तो यहां पर साइन पाई प्लस पाई बाई सेवन क्या बन जाएगा? माइनस साइन पाई बाय सेवन। तो क्या हो जाएगा, कुछ अच्छा हुआ क्या? माइनस साइन पाई बाय सेवन कट गया। कट गया ना, क्या आंसर आ गया? माइनस वन बाय एट। आपको एक समझ में आया चेन रिएक्शन सिस्टम, कि आपने टू साइन स्मॉलेस्ट एंगल से मल्टीप्लाई डिवाइड करके क्या बना लिया क्वेश्चन को? कंटिन्यूअस प्रोडक्ट में चेंज कर दिया ना आपने। यस सर। ये क्लियर है क्या? हाँ सर। कॉपी करिए। यस सर।
सो वो लास्ट स्टेप समझ नहीं आया कौन सा बताओ सो माइनस वन बाई एट वाला माइनस वन बाई एट वाला साइन व्हाट इज साइन पाई प्लस थीटा I have written 8 pi by 7 as pi plus pi by 7. Fine. So now what is sine pi plus theta? Sine pi plus theta is minus sine theta, na? Sine pi plus theta is what? Minus sine theta. Clear? Yes, sir. So now minus sine theta. Sine pi plus pi by 7 will be what? Minus sine pi by 7. Okay. So minus sine pi by 7. Sine pi by 7 and sine pi by 7 cancels out. So answer is minus 1 by 8. Sir. Clear? Hai? Yes, sir. Sir, matlab agar angle bada hoga to fir pi se plus kar denge ka? Pi se plus nahi kiya main. Main na 8 pi by 7 ko break kiya hai taki angle chota ho jaye. Ye to sikhaya tha na maine ki agar angles bade hote hain to pehla kaam kya karna chahiye? Jitna chota kar sakte ho because trigonometry angles jo hote hain वो तो सारे आपको सिखाया था ना मैंने वो कंसेप्ट ऑफ रिवॉल्विंग लाइन तो सारे एंगल जो होते हैं वो तो बराबर किए आ सकते हैं ना एक दूसरे के टर्म्स में चमक रहा दिख रही है मेरी सर्कल घूमते हुए हाँ सर ठीक है सर ने वो समझा लेकिन ऐसा कब करना है अगर एंगल अरे अरे 8 पाई बाय 7 पाई से बड़ा है ना हाँ सर तो काटो ना उसको छोटा करो ना ओके सर समझा वो मेंटोस की एड देखी है कौन सी वो वाली दो फलांग छोटी वाली दिमाग की बत्ती जला दे हाँ दिमाग की बत्ती जला दे चलो कोई बात नहीं कॉपी कर लो अच्छे से मैं नोट शेयर नहीं करूंगा मैं पहले ही कह रहा हूँ ठीक है क्योंकि 11th में मैं इस मीडियम से नहीं पढ़ा रहा हूँ 12th वाले बच्चों को मैं मिक्स करता हूँ बोर्ड और ये मीडियम 11th के बच्चे आलसी होते हैं पहले आपको सिंसियर होना सीखना पड़ेगा इसलिए आप नोट्स कॉपी करिए पहले ठीक है मैं साल के एंड में भले ही शेयर कर दूंगा या मंथ के एंड में जो भी लिख रहा हूं ऐसे सबको क्लियर है क्या अच्छे से हाँ सर यस सर कॉपी कर लिया सबने नहीं मैंने कर लिया किसी ने कॉपी नहीं किया है जल्दी बता दो नहीं तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा फटाक से सर दो मिनट सर ले 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 दो मिनट ले ले आप लोग का लॉग खत्म कर दिया सर नहीं चल रहा है अभी तक चल रहा है कल क्लास में कल सर ने क्या पढ़ाया परसों लॉग सर सम्स किए थे इनइक्वालिटीज के सम किए थे ठीक है रब करें हाँ सर होगा सर दो मिनट सर संडे के टेस्ट क्या बेटा संडे के टेस्ट में लॉग आएगा हाँ क्यों क्या हुआ नहीं सर बस पूछ रहा था 19 क्लास में मैं पढ़ाऊंगा ना एक बार समझ लो सर ने खत्म कर दिया इसलिए मैं सर कहाँ पे खत्म होता है इनइक्वालिटीज के बाद खत्म होता है हाँ सर तो हो गया हाँ तो सर हो गया हाँ तो ठीक है अभी सर क्वेश्चन कराएंगे कुछ दिन और सर को बोलूंगा और क्वेश्चंस कराएं पहले ठीक है सर
आगे बढ़े? यस सर। सर वो ये वाला फॉर्मूला याद है? हाँ सर याद है। है ना, साइन 20 कॉस 20 कॉस 40 कॉस 60 कॉस 80 साइन 20 साइन 40 साइन 60 साइन 80। चलो भाई सॉल्व तो करो। साइन 18 नहीं, साइन 12 साइन 24 साइन 12 साइन 70 साइन 24 साइन 36 साइन 48 साइन 60 साइन 72 साइन 84। ये सारे कॉस में चलो फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है सॉल्व क्या होगा बताओ। फर्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा बताओ। सर वो अपने ऊपर हेडिंग क्या लिखा है? एप्लीकेशन ऑफ 60 माइनस थीटा 6 थीटा 60 प्लस थीटा। एप्लीकेशन ऑफ 60 माइनस थीटा थीटा 60 प्लस थीटा। पीछे वाले का फाइनल आंसर क्या था? पीछे वाले का फाइनल आंसर अब उसके लिए फिर चीजें गड़बड़ हो जाएंगी मुझे इसमें। मैं लाइव में हट नहीं सकता, लाइव मोड पे है कोई। माइनस वन बाय। मैं भेज देता हूँ फिर तेरे को। हाँ बोलो पहला क्या आंसर आएगा बोलो। कुछ दिख रहा है? ये देखो कॉस थीटा दिख रहा है थीटा। ये क्या है 60 माइनस 20 और ये क्या है 60 प्लस 20। चमक रहा है क्या? हेलो। हाँ सर 20 60 माइनस 20 60 प्लस 20 ध्यान आ रहा है? तो ये तीनों एंगल मिलके क्या बन जाएंगे बताओ। कॉस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा कॉस 60 प्लस थीटा क्या होता है? वन फोर्थ ऑफ कॉस 3 थीटा। वन फोर्थ ऑफ कॉस 3 थीटा तो क्या आ जाएगा? बस एक बच्चे को आता है, बाकी पूरी क्लास में किसी को नहीं आता है। हिमांग तुमको भी नहीं आता है। 3 × 20 हिमांग। हाँ सर। क्या तुमको नहीं आता है? सर आता है वो। क्या वो क्या आगे बोल क्या हो गया? सर अपने यहाँ पे शोर थोड़ा ज्यादा हो रहा था। ज्यादा शोर हो रहा है। चलो कोई बात ठीक है ठीक है कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट वाला क्या होगा बताओ। नेक्स्ट वाला ऑब्जर्व करो कोई बताओ मुझे ऑब्जर्व कर करके। Somebody observe for me, Chris. 20 sin 60. हाँ. Sin 60 minus 20, 60 plus 20. हाँ. तो क्या हो जाएगा? Sin 60 into 1 by 4 into sin 20, sin 60 है ना? Which is how much? Root 3 by 2 into 1 by 4 into root 3 by 2. ठीक है? Which is 3 by 16. Clear है? लास्ट वाला बताओ। ओ कर रहा।
देखो एंगल्स ऑब्जर्व करो सर. सर कॉस 36 कॉस 12 कॉस 36 सर कॉस 36 कॉस 24 कॉस 84 हाँ ये क्या बन जाएगा 1/4 कॉस 72 इनटू सर कॉस 48 कॉस 12 और कॉस 72 कॉस 36 बन जाएगा है ना. और एक कॉस 60 पहले से ही है. अब cos 72 क्या होता है sin 18 और cos 36 तो मालूम ही है आपको. 18 वाले सिस्टम में दो एंगल याद करने को मैंने बोला था ना. sin 18 कितना होता है एक बार फिर से लिखोगे सर? क्लियर नहीं दिख रहा. क्या चीज क्वेश्चन? क्वेश्चन cos में देख मैं जूम कर रहा हूँ दिख रहा है क्या सर? एक बार बोल दो. अभी दिख रहा है देखना. cos 12 cos 24 cos 36 cos 48 cos 60 cos 72 cos 84. हाँ सर समझो. sin 18 कितना होता है? root 5 minus 1/4 into 1/4 cos 36 कितना होता है? root 5 plus 1/4 into 1/2. अरे आपके कॉपी में लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है साइन 18 देखो जरा तो. हाँ सर लिखा हुआ है. ये दो एंगल्स याद करने होते हैं 18 और 36 याद होना चाहिए. साइन 18 और कॉस 36 कॉपी करें. हाँ सर वो राइट साइड में ऊपर लिखा है वो जनरल फॉर्मूले है क्या? एक आपको पढ़ाया था एक फॉर्मूले का सेट देखो 5th या 6th सेट होगा. तो 8th सेट है जो भी है सेट तो याद नहीं रहता यार. सर आप एक बार फॉर्म समझा सकते हो क्या? बताओ ना कौन सा सर? कौन सा एक बार थर्ड वाला फिर से एक्सप्लेन करो. फर्स्ट वाला फर्स्ट स्टेप. अरे कौन सा फर्स्ट वाला बोल रहे हो थर्ड वाला बोल रहे हो? थर्ड वाला बोल रहा हूं. फर्स्ट स्टेप. थर्ड स्टेप बोल रहे हो? थर्ड स्टेप बोल रहे हो? नहीं सर थर्ड सम का फर्स्ट स्टेप. थर्ड सम का फर्स्ट स्टेप. देखो ना 20 मैंने थोड़ी ना किया किसी बच्चे ने बोला मैंने भाई कॉपी कर दिया. 24 36 और 84 दिख रहा है. तो अगर 24 इज थीटा तो 36 क्या होगा? अगर 24 थीटा है तो 36 क्या होगा? अगर 24 थीटा है 60 माइनस थीटा 3/2 माइनस थीटा 60 माइनस थीटा ना. और 84 क्या होगा? 60 प्लस थीटा. 60 प्लस थीटा. क्लियर है? यस सर. फर्स्ट का फर्स्ट स्टेप बता दो ना. फर्स्ट का फर्स्ट स्टेप 20 को थीटा समझोगे अगर तो 40 क्या है? 60 माइनस थीटा. और 80 क्या है? 60 प्लस थीटा. तो हो गया. नेक्स्ट बोलो. चलो मैंने
अरे इससे फास्ट तुम लोग बोर्ड पे कॉपी करते हो, यहाँ इतना टाइम लगा रहे हो कॉपी करने में। सर हो गया। दो मिनट सर हो गया। रब करें यस सर हो गया। सर आपने स्क्रीन लॉक कर दिया? नहीं, क्या स्क्रीन इरेज कर दिया? तुमको सामने दिख नहीं रहा है क्या स्क्रीन? दिख रहा है मुझे लगा। फिर नहीं, अब कर रहा हूं। बताओ कितनी आएगी वैल्यू, सॉल्व करो। तो सॉल्व करो। अरे सुनो, सब लोग सच सच बताओ, क्वेश्चन बन रहा है ना यार, मैं उसके हिसाब से पढ़ा रहा हूँ कि हाँ बन रहा है, ठीक है? मैं उसके अंदर पढ़ा रहा हूँ, सबका क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है?
हाँ सर हो रहा है। बनाओ बनाओ सॉल्व करो चलो। क्या बोल रहे हो? हाँ नेटवर्क खराब है, क्या बोल रहे हो? मैंने जो क्वेश्चन दिया ना पहला वाला हो गया। क्या आंसर पहले वाले का? मुझे तीन आ रहा है। हाँ तीन आ रहा है क्या? बाकी लोग का नहीं हुआ क्या अभी तक? पहला वाला हो गया सर, पहला वाला सर हो गया। पहले क्या होगा? टेन थीटा। सर्वेश तुम्हारा ध्यान ना इसी से पे रखो कि ये छोड़ दूंगा तो क्या होगा, वो छोड़ दूंगा तो क्या होगा। ट्रिग्नोमेट्री छोड़ना ऑप्शन नहीं है, ठीक है? पता है तुमको टेंथ में किसने पढ़ाया है कि मैं क्या बोलूं, बट ट्रिग्नोमेट्री छोड़ना ऑप्शन नहीं होता है। टेन थीटा, टेन सिक्सटी माइनस थीटा, टेन सिक्सटी प्लस थीटा, क्या होगा बताओ? टेन थ्री थीटा होगा ना। यहाँ पे 20, 40, 80 कंबाइन होके क्या बन जाएंगे? 10 3 इंटू 20 बन जाएगा ना, तो क्या आ गया? रूट थ्री इंटू रूट थ्री, विच इज हाउ मच? 3। ये क्लियर है क्या? यस सर। चलिए आगे सॉल्व करिए।
हाँ सर सर आपका माइक चालू है। सेकंड का कितना आया आंसर? थ्री। हाँ थ्री। मुझे नहीं आ रहा था उसका अजीब सा सर पहले वाले का फॉर्मूला क्या है? पहले वाले का फॉर्मूला क्या है मतलब? तो उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज किया है? अरे साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा सेट 8। सेट 8 में साइन और कॉस का फॉर्मूला है, उसको डिवाइड कर दिया तो टेन का फॉर्मूला बन गया ना। हाँ सेकंड का कोई बोल रहा था कुछ, सेकंड का आंसर सर सेकंड का नहीं आ रहा। नहीं आ रहा? नहीं सर। चलो कोई बात नहीं, तुमने क्या क्या किया? एलसीएम लिया? हाँ सर।
चलो लो एलसीएम क्या बनता है, कॉस क्यूब थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थ्री थीटा। एक मिनट रुक जाओ, मेरा पेन का रिफिल खत्म हो गया, तुम लोग सॉल्व करो, मैं एक मिनट पेन में डाल दूंगा। दुकान से ले लेंगे बस है। हाँ देखो ना, तुम लोग यहाँ पे एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा बताओ, माइनस कॉस थ्री थीटा इंटू साइन थीटा, अरे इतना दिख रहा है क्या, प्लस साइन क्यूब थीटा कॉस थीटा साइन थ्री थीटा इंटू कॉस थीटा। बोलो सब लोग क्लियर है क्या? Yes, sir. बोलिए क्लियर है? अब एक्चुअली अब दिक्कत यह है कि पेज पे जगह नहीं है, ठीक है फाइन। तो कैसे करें इस चीज को अभी अपन, ठीक है तुमने बाकी सारे क्वेश्चंस कॉपी कर लिए हैं तो मैं पेज बदल देता हूँ। यस सर, एक मिनट सर, क्वेश्चंस कॉपी कर लो फिर मैं पेज बदल, जगह नहीं कैसे लिखूंगा मैं यहाँ पे, या मैं इतने जगह में लिख देता हूँ बाकी दो क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। और देखते हैं ना, ये देखो कॉस क्यूब थीटा ये वाला और ये टर्म में से कुछ बाहर निकाल सकते हो क्या? क्या बाहर आ रहा है? कॉस थीटा साइन थीटा बाहर आ रहा है ना, क्या लिखा हुआ है बताओ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बोलो इतना क्लियर है? Yes, अभी इस टर्म को और इस टर्म को देखो, कुछ दिख रहा है क्या यहाँ पे, कोई फॉर्मूला दिख रहा है? कॉस थ्री थीटा साइन थीटा साइन थ्री थीटा कॉस थीटा, कुछ फॉर्मूला दिख रहा है क्या? हाँ सर, क्या फॉर्मूला है? साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी ना, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, तो साइन टू थीटा बन गया ना ये, समझा? हेलो, हाँ सर समझा। कुछ तो सर, तो बीच में प्लस होगा ना, बीच में प्लस होगा, हाँ तो अब ये क्या बन गया, कॉस थीटा साइन थीटा प्लस, इसको खोल दो तो टू साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे में क्या है, कॉस थीटा साइन थीटा, क्लियर है? तो क्या आ गया आंसर, थ्री। क्वेश्चन क्लियर है क्या अच्छे से? हेलो, हाँ सर, वो मतलब मैंने आपके मतलब से नहीं किया, लेकिन वो मतलब वो जो आपने क्वेश्चन दिया ना उसमें मैंने कॉस थ्री थीटा का मतलब फॉर्मूला डाल के किया। सही है, सही है, बढ़िया है। अभी कॉपी कर लो क्वेश्चन, बचे हुए दो क्वेश्चन में अगले पेज पे सॉल्व कर देता हूं, ठीक है।
कॉपी कर लिया सबने थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन? हाँ सर। अच्छा थर्ड क्वेश्चन तो तुमने कॉपी किया था। थर्ड क्वेश्चन क्या था कोई बोले जाएगा? थर्ड क्वेश्चन क्या मिल गया? हाँ दिख गया cos square x plus cos square x plus pi by 3 plus cos square x minus 2 pi by 3। किसी का सॉल्व हुआ है क्या अभी तक? नहीं सर। सॉल्व करो फिर। मैं नहीं सॉल्व करा। सॉल्व करो फिर, कोई हड़बड़ी नहीं है मुझे। सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे? कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। क्या करोगे बताओ, कैसे स्टार्ट करोगे? सर cos a plus b और cos a minus b का फॉर्मूला लगाएंगे। नहीं, कैसे लगा पाओगे? नहीं लगा पाओगे ना। cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर है, कोई फॉर्मूला नहीं होता है। कैसे कर रहे हैं, कैसे करेंगे अप्रोच बताओ तो। एनीबॉडी ताहा कैन यू टेल मी हाउ टू अप्रोच? सर वो पहले वो जो जितने भी मतलब वो डिग्री में उसको और जो रेडियन में उनको डिग्री में कन्वर्ट। उससे कुछ नहीं होगा, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। हाउ विल बी प्रोसीड क्रिस्टीन, एनी आइडिया? क्रिस्टीन क्या हो गया? तुम लोग को आवाज नहीं आ रही मुझे अच्छे से, नेटवर्क क्लियर नहीं है क्या? क्रिस्टीन यस सर। हाँ बताओ हाउ टू अप्रोच। सर क्या हम cos स्क्वायर x को हम cos 2 1 प्लस cos 2 x करके cos 2 yes, 2 yes 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 exactly वैसे ही करेंगे। Obviously, हमारे पास इस फॉर्मूला ही नहीं है ना। हाउ कैन वी सॉल्व? वी हैव ओनली वन वे टू चेंज द स्क्वायर्स टू cos 2x। चेंज द स्क्वायर्स टू cos 2x। चलो सॉल्व करिए। 1 प्लस cos 2x बाई 2। एवरीबॉडी कम ऑन सॉल्व इट। कम ऑन गाइस सॉल्व इट। चलिए सॉल्व करिए। कितना है आंसर? आई एम गेटिंग वेरी फ्यू आंसर्स फ्रॉम योर क्लास। व्हाट इज हैपनिंग टुडे? इज जस्ट अ नेटवर्क प्रॉब्लम क्या? नोबडी इज आंसरिंग। कम ऑन गाइस आंसर दो यार। हेलो। यस सर। क्या हो गया आज? हाँ हाँ करो, सब लोग करें।
क्या हुआ क्रिस्टी, नहीं आया आंसर अभी तक? सर बीच में अटकते हैं, क्या अटकने का सवाल ही नहीं उठता है? क्या हो गया सभी लोगों को? कुछ करो जरा यहाँ पे, अभी कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हो? कॉस सी प्लस कॉस डी लगाओ ना। कहाँ है हर्षल? हर्षल क्या क्लास में नहीं है क्या कोई आज? हर्षल श्रेयस किधर हो तुम लोग सब लोग? मैं क्लास में ही हूँ। हाँ सर मैं क्लास में ही हूँ। तुम्हें क्या आवाज अच्छे से नहीं आ रही आज? तो कॉस सी प्लस कॉस डी लगाओ ना यहाँ पे, क्यों नहीं लगा पा रहे हो कॉस सी प्लस कॉस डी? कॉस सी प्लस कॉस डी लगाओ, बताओ कितना आ रहा है? प्लस टू क्या आएगा बोलो? लेट्स अप्लाई कॉस सी प्लस कॉस डी। रूही तुलसी सुरभि कहाँ है सब लोग? Nobody is interested anymore in solving the questions. Cos C plus cos D लगाओ, बोलो कितना आएगा? 2x minus 4 by 3 by 2 क्या होता है बताओ? cos c plus cos d क्या होता है? cos c plus d by 2 और cos c minus d by 2 कुछ तो बोलोगे? हाँ तो क्या आ जाएगा? 2 pi by 3 और ये आ जाएगा 2x, 2x कट जाएगा तो ये आ जाएगा 2 pi by 2 तो पाई आ जाएगा। ये तुम्हारा माइनस टू कॉस तो कैलकुलेशन फोर एक्स माइनस टू पाई बाई थ्री। एक मिनट कुछ तो कैलकुलेशन में गलती हुई है मोस्ट प्रॉब्ली। भाई कैलकुलेशन चेक करो मेरी। एक बार चेक द कैलकुलेशन फ्रॉम माय साइड। तो करो सिंपली, चलो उसको सिंपलीफाई करो, देखो क्या बन रहा है। मैंने कुछ गलती करी तो है यहाँ पे, क्या गलती करी मुझे दिख नहीं रहा है। ये किया ये किया, cos c plus d by 2 कितना बन रहा है बताओ? तो 2x something is गड़बड़ here। cos 2 pi cos 2 pi 2 पाई कैसे आ रहा है? पाई आ रहा है ना, देखो ना 2 पाई बाई 3 माइनस 4 पाई बाई 3 कितना होता है? लेकिन फिर वो माइनस के साथ प्लस हो जाएगा ना। नहीं नहीं ये तो कॉस पाई मैंने बाहर लिख लिया है, मैं यहाँ पूछ रहा हूँ यहाँ पे कुछ गड़बड़ी करी है क्या? मैं देखो एक बार चेक करो। नहीं सर वहां पे सही है। क्या आ रहा है वहां पे? 2x माइनस पाई बाई 3 है। 4 पाई बाई 3 माइनस 2 पाई बाई 3 कितना होता है? 2 पाई बाई 3 तो पाई बाई 3 आ गया ना मेरे यहाँ पे, कुछ गड़बड़ आ रहा है। मैं पाई माइनस पाई बाई 3 आ रहा है, 4x आएगा ना तो नीचे में 2 भी है ना। तो गड़बड़ी है मेरे ख्याल से, यहाँ पे प्लस होगा, ये प्लस है। प्लस पे सॉल्व करो, मेरा मोस्ट प्रॉब्ली प्लस लग रहा है मुझे, ये प्लस है तो प्लस होगा तो क्या हो जाएगा? कोई अंतर पड़ेगा क्या प्लस होने पे? लेकिन ऊपर तो cos स्क्वायर है ना। हाँ हाँ तो उसको मैं यही कर रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन ही गलत है शायद, क्वेश्चन में प्लस होगा मेरे ख्याल से। अभी देखो आ जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। अभी वापस से cos c plus cos d लगाओ, देखो क्या बनता है। 2x plus 2 pi by 3 plus 4 pi by 3 by 2 और दोनों को माइनस करेंगे, यहां आ जाएगा cos pi by 3। ठीक है तो अभी cos pi by 3 कितना होता है? 1 by 2 होता है और ये आ जाएगा पाई। अरे चमक रहा है क्या? ये और ये कट गया। cos pi plus theta कितना होता है? minus cos theta, तो minus cos 2x into plus cos 2x। क्वेश्चन गलत था ना, 3 by 2 plus। ये वैल्यू कितनी हो गई? फाइनल आंसर कितना आ गया? 3 by 2। कॉपी करो,
कॉपी कर लिए क्या? नहीं सर, दो मिनट. आप लोग चैप्टर वन और टू करके आए थे आज? अगर आए थे तो फिर आप लोग इतना मतलब तो अभी भी आप लोगों को नहीं बन रहा है क्वेश्चन जो बनने चाहिए. क्यों नहीं बन रहे? मैं समझ में नहीं आ रहा है. चैप्टर वन चैप्टर टू करके आए थे क्या सब लोग आज? सर फर्स्ट किया था. क्या बोल रहे हो? आवाज कट जा रही है बीच में. तुम लोग आधा बोल के गायब हो जा रहे हो. क्या बोल रहे हो? हेलो. यस सर. हेलो. चैप्टर टू करके आए थे सर? मैंने हाफ किया था, मतलब मिसलेनियस बाकी था. 2.2 तक किया था. मुझे आवाज बिल्कुल खराब आ रही है आज, पता नहीं क्यों, क्या चल रहा है. तो कॉपी करो. हो गया सर. हो गया सर. एक बार लास्ट के दो स्टेप बताओ ना. बताओ कौन से दो स्टेप बताओ? यहाँ पर फाइव बाय थ्री. हाँ, ये क्लियर है? यस सर. तो यहाँ पर कॉस सी प्लस कॉस जी लगाओ ना खुद से. कॉस सी प्लस है तो मेरा नेटवर्क बहुत खराब है. तुम लोग का बहुत खराब है. हाँ, cos c प्लस cos d लगाए. हाँ सर. तो फिर क्या बन रहा है तुम्हारा? cos c प्लस cos d लगाओ तो ये c है और ये d है, तो क्या बनेगा बोलो? 2 cos 2x plus 2 pi by 3 plus 2x plus 4 pi by 3 by 2 into cos 2 cos 2x plus pi cos pi by 3. देखो मैं लिख तो रहा हूं, देखो ध्यान से. तो तुम्हारा 2x 2x कट जाएगा. यस सर. हमारा क्या आ गया देखो, 2 cos यहां पे आएगा 2x plus pi और यहां पर आएगा cos 2 pi by 3 minus 4 pi by 3 minus 2 pi by 3 by 2 तो pi by 3. ठीक है. अभी cos pi by 3 कितना होता है? हाफ होता है. तो हाफ का हाफ कट गया. अभी cos pi plus theta कितना होता है? minus cos theta. बोला cos pi plus theta क्या होता है? minus cos theta ना. यस सर. तो हो गया ना फिर सर. हाँ सर, मैंने जो पहले बोला था ना कि cos a plus b करके करेंगे, तो सर मैंने वैसे किया तो भी आंसर यही आया 3/2. हाँ तो क्यों नहीं आएगा? ये मैं कहाँ कह रहा हूँ कि मेरा मेथड जो है उसी से आंसर आएगा. हर क्वेश्चन करने के 4-5 तरीके होते हैं. मैं भी तो cos c plus cos d लगाया. तुम क्या बोल रहे हो? सर वो जो ऊपर है ना cos स्क्वायर x प्लस पाई बाय 3, हम लोग वो जो स्क्वायर होता है वो तो पूरे पे लगता है ना, cos x प्लस पाई बाय 3 का होल स्क्वायर. हाँ जी हाँ जी.
हाँ तो उसमें ही वो cos x plus pi by 3 को मैंने वो expand किया। चलेगा ना, चलेगा ना, ठीक है। नेक्स्ट बोलो, एक एक और क्वेश्चन था ना, मैं इसको हटा रहा हूँ, हटाऊ ना। दो मिनट। क्या कॉपी नहीं की थे क्या? नहीं सर, हो गया। कॉपी की हो ना? हाँ सर, हो गया। एक और क्वेश्चन था ना, बताओ क्या था। अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट टू प्लस टू कॉस एक्स। टू प्लस अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट टू प्लस टू कॉस एट एक्स। हाँ बताओ। एनीबडी एनी आइडियाज? गिव मी सम आइडियाज हाउ टू सॉल्व। सर ये वाला नहीं हो। सर सर वो cos को theta is equal to 2 cos square theta minus 1 से करेंगे। 1 plus cos 8x आ गया ना। 1 plus cos 8x कितना होता है? 2 cos square 4x. 2 cos square 4x. 2 cos square 4x into एक और 2 है ना, तो root खुल के कितना आ जाएगा? 2 plus 2 cos 4x। यहाँ पे एक मिस्टेक करी है मैंने, जो मैं अगला चैप्टर से बाद में सिखाऊंगा तो बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए आप सही मान के चल सकते हो, यहाँ पे एक गलती है वैसे। प्लस माइनस वाला, हाँ उस टाइप से होना चाहिए था। तो यहाँ पर 2 इंटू 1 प्लस कॉस 4x, बताओ 1 प्लस कॉस 4x क्या होगा? 2 square into 2 cos square 2, ठीक है। क्या हो जाएगा ये? 2 प्लस 2 cos 2x है ना? हाँ सर। 2 बाहर लिए, 1 प्लस cos 2x कितना आ जाएगा? 2 into 2? 2 cos x. cos x कितना आ जाएगा? तो cos square x. हाँ 2 cos square x कितना आ जाएगा बताओ? 2 cos x. 6 लैपटॉप चार्ज पे लगा है मैंने, ठीक है। हाँ 2 cos x, ये चमक रहा है। तुम लोग पहले डर जा रहे हो कि ये मेरे से नहीं होगा, वो मेरे से नहीं होगा। सर डन, कॉपी करो। डन सर, डन। हो गया है? हाँ सर, मेरा हो गया। सर मेरा भी हो गया। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है, कंडीशनल, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान देना। मैं तुमको एक क्वेश्चन, ये बेसिकली कुछ है नहीं, कॉस सी प्लस कॉस डी का एप्लीकेशन ही होता है, बस a प्लस बी प्लस सी में कुछ दिया हुआ है रिलेशन। इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180, प्रूव दैट साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इज इक्वल्स टू 4 साइन a साइन b साइन c। हाउ विल यू प्रूव दिस? ठीक है, तुम्हें, तुम मुझे पहला स्टेप बताओ, तुम्हें क्या लगता है कैसे स्टार्ट करूंगा बताओ?
टू कॉमन लेंगे साइन टू को साइन टू को कॉमन साइन टू को कॉमन लोगे कहाँ से साइन टू को कॉमन लोगे साइन टू को खोलेंगे साइन टू को कॉमन भाई जो टू को कॉमन लेने की बात बोल रहा है चुप हो जा कहाँ का टू कॉमन लेगा कौन सा टू कॉमन लेगा क्या बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे बस बढ़िया गुड टू साइन टू ए प्लस टू बी बाई टू कॉस टू ए माइनस टू बी बाई टू प्लस साइन टू सी बताओ क्या बन गया ये टू साइन ए प्लस बी क्या हो ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी प्लस साइन टू सी ए प्लस बी को क्या लिख सकते हैं अपन साइन पाई माइनस सी कॉस ए माइनस बी प्लस साइन टू सी बोलो यहां तक क्लियर है साइन पाई माइनस सी को क्या लिख सकते हो साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा साइन थीटा होता है तो साइन सी इंटू कॉस ए माइनस बी प्लस साइन टू सी अब बताओ अगला स्टेप क्या होगा मेरा सोचो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बताओ साइन टू सी को खोल दिया साइन टू सी को खोल दिया साइन टू सी को खोल दिया तो क्या बन गया टू साइन सी कॉस सी ठीक है अभी क्या बाहर आ गया टू साइन सी कॉमन अब बोलो क्या बचा अंदर में कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस सी अब तो नेक्स्ट स्टेप दिख रहा होगा कॉस सी माइनस कॉस सी प्लस डी कॉस सी प्लस डी कॉस सी प्लस डी क्या होगा टू कॉस ए माइनस बी प्लस सी बाई टू कॉस ए माइनस बी माइनस सी बाई टू अभी अब क्या करें ए प्लस सी को रिप्लेस कर दो ना ए प्लस सी क्या है 180 माइनस बी है ना 180 तो 180 माइनस टू बी बाई टू लिखा गया ये और यहां पर क्या आ जाएगा कॉस बी प्लस सी को रिप्लेस कर दो 180 माइनस ए से तो क्या लिखा हुआ है 180 माइनस ए माइनस बी प्लस सी ठीक है ए प्लस सी को लिख दो 180 माइनस बी और एक और माइनस बी है ना यहां तक क्लियर है तो अब बताओ क्या बन गया साइन टू कॉमन लेंगे फोर साइन सी अब यहां पर क्या लिखा है कॉस 90 माइनस बी लिखा है ना ये जो एंगल है ये तो 90 माइनस बी लिखा है कि नहीं लिखा है तो कॉस 90 माइनस बी क्या होता है साइन बी ये क्या लिखा है तो वो टर्म कैसे लिया आपने कौन सा माइनस सी इक्वल टू वैसे ही किया रे ए माइनस बी माइनस सी ए माइनस बी प्लस सी कितना है बोल 180 माइनस ए है तो क्या लिखा हुआ है 2a माइनस 180 ठीक है अभी कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या होता है कॉस एक्स होता है ना बेटा ठीक है तो अब यहां पर क्या लिखा है बताओ ये एंगल क्या लिखा हुआ है 90 माइनस ए क्या लिखा हुआ है साइन ए ये क्लियर है तो 4 साइन सी साइन बी साइन ए सभी को क्लियर है क्या यस सर कॉपी करिए कर लिया सर आपके साथ ही लिख रहा बाकी लोग भी कॉपी कर लें सर लॉकडाउन 5 की गाइडलाइन आ गई
क्या खुल रहा है उसमें? स्कूल को और सिनेमा को छोड़ के सब कुछ मतलब जो जो दो चीज हम लोगों को चाहिए वही नहीं खुल रहा है सर बोर होता है सर अभी स्टार्टिंग में लगता था ऑनलाइन पढ़ेंगे ऑनलाइन ऑनलाइन में कितना भी कितनी इतनी सारी चीजें चेंज कर ली मैंने यार जो पढ़ाई में मजा क्लास में है ना सर तो मजा नहीं है यार वो मजा नहीं है कितना भी ट्राई कर लो मैं क्या ही कर लूंगा यार मेरे को लगातार पढ़ाना ही पड़ेगा ना मैं क्लास में तो क्या होता है आधे घंटे बैठ गए अपन किसी से गाना गा कोई गा कोई कुछ बता रहा है अपने बारे में तो मजा आ रहा है यहाँ ऑनलाइन में क्या है कि फेस नहीं दिखता ना आप लोग का थोड़ा तो बोरिंग हो ही जाता है इसलिए मैंने भी स्पीड स्लो रखी हुई है कि मुझे उम्मीद है कि नवंबर तक खुल जाएगा इसलिए मैं भी स्लो स्लो पढ़ा रहा हूँ कि मैक्सिमम सिलेबस में चाहता हूँ कि फेस टू फेस ही पढ़ाया जाए कॉपी कर लिया क्या सर एक मिनट अपनी अगली क्लास कभी है कल कल है सर कल कल है सर कल 4:15 को ठीक है रब कर कॉपी कर लें कॉपी हो गया रब करें हाँ, क्या सर, बोल रहा हूँ मतलब आगे बढ़े हाँ सर ठीक है हाँ। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी में अभी तुम लोग को भी तो क्या घर पे बैठे बैठे तो कंटाला ही आता होगा ना यार मतलब एटलीस्ट ऐसे पहले घर ऐसे क्या है दिन भर पेरेंट्स सर पे ही खड़े हैं ना अपने तो मतलब नहीं सर अभी सर अब शाम को मैं फ्रेंड्स के साथ खेलता हूँ वॉलीबॉल कभी कभार भाई ऐसे बोर ही होता है वॉलीबॉल कहाँ खेलने आ रहा है फील्ड में नहीं सर फील्ड तो सर बंद है ऐसे ही लेन में खेल लेते हैं अरे यार अच्छा हिम्मती हो यार सर फिर आके नहा लेते हैं सर ऐसा कुछ नहीं चलो cos 2a plus cos 2b प्लस कॉस टू सी इसमें क्या आएगा मुझे ध्यान नहीं है मेरे ख्याल से ये आना चाहिए देखते हैं क्या आता है प्लस में या माइनस में तो आएगा जैसा आएगा करेक्शन कर दूंगा मैं मेरे क्वेश्चन ध्यान नहीं है ठीक है लेट्स सी कैसे प्रोसीड करेंगे और वही है कंडीशन कंडीशन क्या है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 पे बताओ कैसे प्रोसीड करें बोलो हेलो कॉस सी प्लस डी क्या होगा टू कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस टू सी ए प्लस बी को रिप्लेस किया 180 माइनस सी कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस टू सी ये हो गया माइनस टू कॉस सी cos a माइनस बी प्लस cos 2c अब बताओ क्या करूं बोलो कम ऑन गाइस गिव मी द नेक्स्ट स्टेप हां बोलो cos 2c को सर cos 2c को खोल देंगे 1 माइनस नहीं क्या होता है cos 2c 1 माइनस 2 sin स्क्वायर c उससे कोई फायदा नहीं होगा ना फायदा इससे होगा ना 2 cos स्क्वायर c माइनस 1 से क्यों इससे क्या फायदा होगा cos c माइनस निकाल सकते कॉमन तो अपन बाहर निकाल सकते हैं ना cos c बाहर आ गया ना 2 cos c बाहर आ गया क्या बचा अंदर में बताओ माइनस cos c माइनस cos a माइनस b ये बात चमकती है हाँ वापस देखो ध्यान से देखते रहो बस cos c माइनस cos d क्या होता है 2 sin a माइनस b माइनस c by 2 sin a माइनस b प्लस c by 2
माइनस वन क्लियर है? यस सर। टू कॉस सी, अब बताओ वापस से जो एंगल्स रिप्लेसेबल है रिप्लेस करो, बी प्लस सी बन जाएगा ना, बी प्लस सी क्या हो जाएगा? माइनस ए। 180 माइनस ए बाई टू, और यहाँ पर क्या आ जाएगा ए प्लस सी को 180 माइनस बी, तो 180 माइनस बी बाई टू विथ माइनस साइन, ठीक है। क्या लिखा है बताओ, टू कॉस सी इंटू टू साइन, क्या लिखा है ए माइनस 90, और ये लिखा है साइन 90 माइनस बी, और ये लिखा है माइनस वन, बताओ क्या होगा? बोलो भाई, फोर कॉस सी, यहां से माइनस साइन कॉमन निकाल के साइन 90 माइनस ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए, कॉस ए, और यहाँ पे कॉस बी, हाँ हाँ माइनस कॉस ए ही लिखा है, माइनस वन, तो जो इनिशियली मैं लिख रहा था वो सही था, प्रूव ये करना था। क्वेश्चन क्लियर है क्या अच्छे से? हाँ। आपको होमवर्क कल के लिए चैप्टर टू है, प्लीज करके आओ, चैप्टर टू में एक्सरसाइजेस हैं, चैप्टर टू में करके आओ कल। सब लोग करके आए थे क्या? नहीं करके आए थे ना बहुत लोग तो? नहीं सर, मैंने नहीं किया था, आधा नहीं किया था, मतलब सर मैंने फर्स्ट पार्ट किया था। नहीं, चैप्टर टू कल खत्म करके आइए प्लीज, ठीक है? श्योर सर। जितना हो पाता है उतना करो। कितने एक्सरसाइज है चैप्टर टू में? टू में 2.1 है, कहाँ गया क्वेश्चन ही पता नहीं चल रहा। टू पॉइंट टू है और मिसलेनियस है, बस तीन एक्सरसाइज है कल के, और जितना कर सकते हो कल करके आओ, ठीक है? ओके सर। क्या ठीक है? चलो बाय बाय। बाय सर। सर एक मिनट कॉपी करना है। हाँ कॉपी करो। सर ये एग्जाम में आएगा? सिलेबस में है सर? वैसे नहीं, अभी संडे को जो एग्जाम है ना तब आएगा। हाँ उसमें सिलेबस में है, टेस्ट का सिलेबस मिला होगा ना? बस फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स है बस, तो ये उसमें नहीं आता ना? नहीं। ओके सर। मतलब ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स में? नहीं। ये चैप्टर चैप्टर सबका हो गया? नहीं सर। ठीक है, आगे बढ़ बंद कर रहा हूँ, ठीक है? नेक्स्ट क्लास अभी में, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर।